1911 में आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। हजारों लोगों की मौजूदगी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने नई दिल्ली की नींव रखी और इस शहर को देश की राजधानी बनाने का काम शुरू हुआ। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की सवारी चांदनी चौक में आम लोगों के बीच से गुजरी ताकि जनता न सिर्फ अपने राजा को एक झलक देख सके बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य की शानो शौकत से भी रूबरू हो सके। हालांकि दिल्ली का अपना इतिहास 3000 साल पुराना है। माना जाता है कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का किला यमुना किनारे बनाया था, लगभग उसी जगह जहां आज मुगल जमाने में बना पुराना किला खड़ा है। हर शासक ने दिल्ली को अपनी राजधानी के तौर पर एक अलग पहचान दी। वहीं सैकड़ों बार दिल्ली पर हमले भी हुए। 13वीं शताब्दी में गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनाई, जो आज भी दिल्ली के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। कुतुब मीनार को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी घोषित किया है। दिल्ली कुल 8 शहरों को मिलाकर बनी है। 1950 में आज ही के दिन तमिल सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म हुआ था। 1975 में रजनीकांत ने फिल्म रागंगल से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया। तमिल फिल्मों के साथ साथ रजनीकांत ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया। शिवाजी द बॉस, रोबोट, चंद्रमुखी, मुथु, चालबाज, अंधा कानून, हम, अन्नामलाई, बाशा आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। रजनीकांत को तमिलनाडु में भगवान की तरह पूजा जाता है। रजनीकांत को फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जा चुका है। 1963 में आज ही दिन केन्या आजाद हुआ था। केन्या गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर से सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। देश की राजधानी नैरोबी है। 2012 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 4.4 करोड़ है। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याता हैं और प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा हैं। 1969 में आज ही दिन इटली के मिलान शहर में बम धमाका हुआ था। इस बम धमाके में करीब 13 लोगों की मौत हो गई थी। ये धमाका एक बैंक में हुआ था। एक और बम पुलिस ने मिलान के ओपेरा हाउस के पास बरामद किया था। राजधानी रोम में भी 2 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए। यहाँ भी एक धमाका बैंक में और दूसरा मेमोरियल में हुआ। इन धमाकों में कम से कम 14 लोग घायल हुए थे। 1981 में आज ही के दिन मशहूर भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का जन्म हुआ था। युवराज को सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है। युवराज ने 2007 में 2020 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे और 2020 में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी युवराज के नाम है। युवराज विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही पता चला कि उनको फेफड़ों का कैंसर है। अपने करियर को खतरे में देख कीमोथेरेपी के 3 चरणों से गुजरने के बावजूद कुछ महीनों बाद ही युवराज ने क्रिकेट में वापसी कर ली।